आज मैं बनाने लगी हूँ दाल और कद्दू, चने की दाल, क्योंकि घर में मेहमान आए हुए हैं 8-10 लोग, तो हम खुद हैं, तो मेरी कज़न का ऑपरेशन हुआ है, बेबी बॉय हुआ है ऑपरेशन का साथ, क्योंकि हमारे घर के करीब ही हॉस्पिटल था तो वो फिर हमारे घर में रही है, तो उसके ससुराल वाले भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा दाल और कद्दू आज मैं बनाती हूँ, आज फिर चैलेंज ले लेते हैं दाल और कद्दू बनाने का, भी रुक जा तंग ना कर। और आप सब सुनाए, तबीयत कैसी है, आप सबकी सेहत कैसी है, रुक जा रुक जा। दाल को मैं अच्छे से धो लूँगी और इसे मैं बॉईल करने के लिए चूल्हे पर रख दूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी बॉईल हो जाए, सख्त सी है थोड़ी सी, इतनी सख्त नहीं है वैसे, लेकिन मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। दाल चूल्हे पर रख दी है, मैं आग लगा दूँगी चूल्हे को ताकि ये बॉईल हो जाए, जब तक मैं कद्दू वगैरह सब कुछ बना लूँगी तो ये बॉईल हो जाएगी अच्छे तरीके से। मेहमान आ रहे हैं, अभी मैंने तैयार होना है, अभी मैंने नहाना है। जी मैंने आग लगा दी चूल्हे को, अब मैं सब्ज़ी बना लूँ। बैठ गई जी, मैं बेड के ऊपर बैठ गई हूँ, और ये 2 टमाटर हैं, सब्ज मिर्चें मैंने 30 ली हैं, 3 मैंने प्याज लिए हैं, और अदरक और लहसुन, मुझे नहीं पता कद्दू की दाल में, कद्दू दाल में प्याज और ये लहसुन और अदरक डालते हैं या नहीं डालते हैं। भाई गंजियों की हुकूमत है, नया स्टाइल है खाने का, पकाने का, रहने का, उठने का, बैठने का, ये कद्दू हैं तो नया स्टाइल में, नहीं भी डालते तो डाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लहसुन, मैं बेड पे बैठी हूँ तो सबने कहा बेड पे मत बैठो, हमेशा ज़मीन पे बैठ के खाना सब्ज़ी बनाते हैं। मैंने कहा जी गंजियों की हुकूमत है, गंजियों की हुकूमत में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो मैं बेड पे ही बैठ के बनाऊँगी। तो आप ये अगर घर में को कहे तो उन्हें कहे कि ये गंजियों की हुकूमत और बेड पे बैठना है, ला 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 तंग ना करें, नहीं तो एक रेपटा देंगे, ठीक है। और जो शादीशुदा लड़कियाँ हैं अगर उनकी सास तंग करे तो उन्हें भी कहें कि अभी रेपटा देगी फजीता एक, ठीक है। अब मैं जल्दी 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 कद्दू बना लूँगी, क्योंकि अभी मैंने नहाना है, अभी मैंने सफाई करनी है, अभी मैंने टपरी लगानी है, अभी मैंने बहुत काम करने हैं। ये जी मैंने सारा कुछ एक साथ ही काट दिया मसाले के लिए, मैंने अलग अलग कुछ नहीं किया, क्योंकि इतने झंझट वाले काम मुझे नहीं आते कि अदरक और लहसुन भी ये मिर्चें हैं सबज। अभी मैं इनका मसाला भून लूँगी, और मैंने यहाँ पर बिल्कुल गंद नहीं डाला, तो चले मेरे साथ रहिएगा, स्किप ना कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कीजिएगा। ये सब मैं उठा लेती हूँ, दाल देख लेते हैं गल गई है, दाल तो बहुत गल गई है, बल्कि एक्स्ट्रा गल गई है, तो दाल को मैं उतार लेती हूँ, एक साइड पे रख देती हूँ, इसका पानी भी निकाल दूँगी। और ये सारा कुछ जी एक साथ ही मैंने ला 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 करके डाल दिया है, मसाले वगैरह सारा कुछ अलग अलग, मुझसे नहीं झंझट होता, अलग मसाला भूनो फिर कद्दू भूनो, मुझसे नहीं होता, आपसे अगर होता है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वरना आप अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, नया स्टाइल है, गंजियों की हुकूमत है, ठीक है। तो भाई नया स्टाइल है, नए तरीके से खाना बनाना चाहिए, सीधा साधा बनाना चाहिए, इतने नखरे वाला नहीं बनाना चाहिए। ये सारा कुछ मैंने डाला हुआ है एक साथ, अभी ये खुद ही पक जाएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से पानी है, अभी घी के अंदर थोड़ा सा अभी और पका लेती हूँ, ताकि जो पानी की थोड़ी बहुत नमी है वो ड्राई हो जाए। बारिश आ गई है, कुछ लोग कहते हैं जी बारिश आ गई, मौसम अच्छा हो गया, जिनके घरों में पानी आ जाता है डूब जाता है, अल्लाह के बंदे उनका भी ख्याल कर लिया करो, लोगों के घरों में पानी आ जाता है तबाही हो जाती है। ये सारा पानी आ गया अंदर, और अभी ये कमरे में चला जाना है, क्योंकि ये इस तक आ गया ना तो ये कमरे में चला जाना, भर जाना है, फिर बहुत मुश्किल पेश आती है, मेहमान भी रास्ते में आने वाले हैं, बारिश भी है। दाल में से मैंने पानी अच्छे तरीके से निकाल दिया था, अब मैं इसको ज़रा तमीज़ के दायरे में ना कर लूँगी, ताकि कद्दू जो है ना वो बिल्कुल मैश ना हो जाए, हलवा ना बन जाए। सबस मिर्चें जी मैं बिल्कुल लास्ट में डालूंगी, जो इनका कच्चापन और जो मज़ा आता ओहो भाई साहब कमाल हो जाता है, तो मैंने रेड मिर्चें इसलिए कम डाली थी, क्योंकि इनका जो लास्ट में टेस्ट आता है ना मज़ा आ जाता है। और काली मिर्च, अभी धनिया नहीं थी, वो धनी दे रहा था, वो भी गंदी सी थी, तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है जी, वो क्या कहते हैं उसको, अभी याद ही नहीं आ रहा, बड़ी मज़े की वो लगती है, मैंने वो डाल दी है इसके अंदर। मेथी, ये सब्ज मिर्ची हैं जी, मेथी डाली हुई है मैंने इसके अंदर, और बहुत ही कमाल मिर्चों की खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है। और ये खाना तैयार हो चुका है, मेहमान आने वाले, अभी मैं दोबारा चेंज कर लूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी है लाजमी बताया करें, और अल्लाह ताला जी दुनिया आखिरत की नियमतों से आपको नमाज दे, दुनिया आखिरत में आप सबके लिए सानिया पता करें। बाल मेरे देख रहे हैं आप, चाटा बना हुआ, इनको भी कंघी शंगी करूँ, ज़रा मेकअप शप करूँ, बालों को संवारूँ, और पिंक कलर का सूट पहन लो, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां, तकलीफ़ें, बीमारियां सब दूर करे, और अल्लाह ताला अपना रहम करे, करम करे, हम सब पे करे,
دنیا اور آخرت میں آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ لائک شیئر کیجیے گا۔ بادل بھی ہے، موسم بھی ہے۔ اوکے، بائے بائے۔